भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो जाएगा, लेकिन इस बार सबसे बड़ी नजर रहेगी टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा पर। जी आपको बता दें कि टेस्ट टीम में रोहित को फिलहाल अंदर बाहर करता जाता रहा है, लेकिन रोहित को इस बार ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर किसी को इंतजार था। दरअसल आपको बता दें कि हिटमैन की को बल्लेबाजी करते देखने का इंतजार हर कोई कर रहा था। हर कोई ये चाहता था कि हिटमैन बतौर ओपनर रन्स बनाए और टीम को आगे लेकर जाए। बता दें आपको कि इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की तरफ से रोहित शर्मा इस प्रैक्टिस मैच में कप्तानी कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 289 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इसके बाद बारी आई टीम इंडिया के बल्लेबाजों की। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने जोड़ीदार मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत की। बड़ी बात यह रही कि पारी के दूसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि रोहित शर्मा को फिलैंडर और हेनरिक क्लासिन के अच्छे प्लान ने आउट किया, लेकिन इस कैच आउट के बाद रोहित शर्मा ने मैदान पर कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। दरअसल रोहित शर्मा को अंपायर्स ने आउट का डिसीजन दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा अंपायर की ओर इशारा कर रहे थे कि इस गेंद की नो बॉल चेक होनी चाहिए। रोहित शर्मा को लग रहा था कि वो गेंद नो बॉल थी जिस पर वो आउट हुए, लेकिन ना ही विरोधी टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने उनकी बात सुनी और ना ही अंपायर्स ने उनकी बात सुनी। ऐसे में रोहित शर्मा को पहले ही मैच में ओपनिंग का जो मौका मिला था जिससे वो तैयारी कर सकते थे, उसमें वो पूरी तरह से विफल हो गए। लेकिन हर किसी को उम्मीद है कि हिटमैन बहुत जल्द रन्स बनाएंगे, क्योंकि ऐसा प्लेयर सालों में एक बार ही आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा आने वाली सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।